fine. So children, we will be starting today's EBS class with the discussion of the password. Our password for today is globe, G-L-O-B-E, globe. It is a noun word, ye sangya shabd hai. The meaning of this word is a round object on which the map of earth can be drawn. So in other words, a round object having the map of earth on it. Yani ek round object jis par earth ka map. So here we have globe with us, हमारे पास globe है. It can be called the model of earth. इसे earth का model कह सकते हैं. So we already know that a map can be drawn on a piece of paper. Map को हम paper के piece पर draw कर सकते हैं, but हम map के back side में नहीं देख सकते. So globe में हम इसे move करके इस place के back side में क्या है, we can easily know, हम देख सकते हैं और locate, हम locate कर सकते हैं. So it is appearing blue, ये blue दिख रहा है. As we know that our earth has 71% of water and only 29% surface, so इसलिए ये blue दिखता है. ये जो blue color है ये oceans हैं. So map में we can easily locate our country, हम continents locate कर सकते हैं, अपनी country locate कर सकते हैं, important places हैं जो metro cities हैं country में, वो हम search कर सकते हैं. सो द बेनिफिट ऑफ ग्लोब इज कि इसे हम बैक साइड में भी हम देख सकते हैं कि इस पार्ट के बैक साइड में क्या है. सो मैप में हम ऐसा नहीं कर सकते. एक एडवांटेज ये भी है मैप का, मैप को फोल्ड करके हम ले जा सकते हैं, बट हम ग्लोब को फोल्ड नहीं कर सकते. सो अवर पासवर्ड इज ग्लोब. आई हैव टेकन दिस वर्ड फ्रॉम अवर ईवीएस चैप्टर दैट वी आर डूइंग दिस डेज, चैप्टर नंबर 21 अवर अर्थ. सो इन टूडेज क्लास आफ्टर अ शॉर्ट रीकैप we will be discussing more about our planet earth and page number 98 and 99. So let us start. Children, we are doing our EVS chapter number 21, our earth these days. So this chapter is about our home planet, that is our earth. So ye hamare home planet ki bare mein hai. So as I told you earlier, there are eight planets in solar system. Solar system में eight planets हैं. Our planet Earth is one of them. हमारा जो home है जिसे हम Earth बोलते हैं वो भी उनमें से एक है. So Earth is the only planet which has life. Earth एक ऐसा planet है जिसमें life है. Life है means यहाँ oxygen है, यहाँ trees है, plants हैं, यहाँ humans हैं, यहाँ पर एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, वेजिटेशन है, वाटर है. सो वाटर है तो ये सब चीज़ें ग्रो हो पा रही हैं, क्योंकि वाटर के बिना ना तो प्लांट्स रह पाएंगे, ना एनिमल्स और ना ही ह्यूमंस, ना ही कुछ उगेगा सॉइल पर. सो वाटर इज़ एसेंशियल. सो ये वाटर सिर्फ कहाँ प्रेजेंट है, हमारे होम प्लेनेट अर्थ पर. सो इसी कारण जो अर्थ है वो इसे द ओनली प्लेनेट विच हैज़ लाइफ, जिस पर जीवन है, और किसी भी प्लेनेट पर लाइफ नहीं है, जीवन नहीं है. सो हम बहुत सारी स्टोरीज तो सुनते हैं कि वहाँ हमने कहीं एलियन देखा, या एलियन रहते हैं, या जो मार्स प्लेनेट है वहाँ पर वाटर अवेलेबल है, ऐसा कुछ हम सुनते हैं, बट अभी तक वो कुछ वेरीफाई नहीं हुआ है. सो आर अर्थ इज़ अवर होम प्लेनेट. वी आर डिस्कसिंग अबाउट अवर होम प्लेनेट आर अर्थ. सो इन अवर प्रीवियस ईवीएस क्लास हमने डिस्कस किया था कि अर्थ पर ही सब चीज़ें, जो अर्थ के फीचर्स क्या हैं, अर्थ जो है वो ब्लू अपीयर होती है. वो ब्लू कैसे दिखती है, हमें तो नॉर्मल दिखती है जैसे हम देखते हैं अपने आसपास सराउंडिंग्स को, बट जब उसका अर्थ का इमेज लिया गया स्पेस से तो वो ब्लू कलर से का दिखाई दिया. उसमें ज़्यादा ब्लू इसलिए है क्योंकि वो ओशन है वहाँ पर, बिकॉज ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, ज़्यादा ओशंस हैं, जो लैंड सरफेस है वो कम है, इसलिए वो ज़्यादा जो कलर डोमिनेट करता है इसलिए वो ब्लू अपीयर होती है. सो इन टूडेज क्लास वी विल बी डिस्कसिंग मोर अबाउट आवर होम प्लेनेट आर अर्थ. So children, open your EVS books, page number 98. We are discussing our chapter number 21, our earth.
हमारी धरती। सो हिंदी में हम अर्थ को धरती कह सकते हैं, धरा कह सकते हैं, ज़मीन कह सकते हैं। सो ओपन योर ईवीएस बुक्स नाउ। सो चिल्ड्रन, वी आर गोइंग टू डिस्कस अवर चैप्टर आर अर्थ फ्रॉम अवर ईवीएस बुक। वी कॉल द अर्थ अवर होम बिकॉज ऑल एनिमल्स एंड प्लांट्स एंड वी लिव ऑन इट। हम अपनी अर्थ को अपना होम कहते हैं क्योंकि सारे जो एनिमल्स हैं और प्लांट्स हैं और हम इस पर रहते हैं। सो आई टोल्ड यू कि एनिमल के ग्रुप में ही इंसेक्ट्स एंड बर्ड्स ये सब आ जाते हैं। प्लांट्स हैं, प्लांट्स के भी कई टाइप्स हैं। वो सब तरह के प्लांट्स कहाँ अवेलेबल हैं? अर्थ पर। और हम लोग ह्यूमंस, सो हम सब इस पर रहते हैं, इसलिए हम इसे अपना होम मानते हैं। दिस इज़ अवर होम प्लेनेट। सो अर्थ है वो सोलर सिस्टम का पार्ट है। अर्थ के अलावा सोलर सिस्टम में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, मीटोराइड्स, एस्ट्रॉइड्स, प्लैनेट्स, सन है, सो सैटेलाइट्स हैं, नेचुरल सैटेलाइट्स हैं, मैनमेड सैटेलाइट्स हैं। सो ये सब सोलर सिस्टम के पार्ट हैं, बट अर्थ हमारा होम है क्योंकि हम इस पर रहते हैं। सो जहाँ हम रहते हैं हम उसे अपना होम या हाउस बोलते हैं। सो हमारा अर्थ हमारा होम है। सो हेयर यू कैन सी दिस इज़ एन इमेज ऑफ अर्थ। ये अर्थ का इमेज है। अर्थ इज अपीयरिंग राउंड टू अस। हमें राउंड अपीयर करती है, दिखती है, बट इट इज़ नॉट एज मच राउंड, इतना राउंड नहीं है। सो ये टॉप से और बॉटम से थोड़ा फ्लैट है, बिकॉज यहाँ नॉर्थ पोल होगा एंड यहाँ साउथ पोल होगा, तो जहाँ पोल्स हैं वहाँ से थोड़ा फ्लैट है। सो हम कह सकते हैं इट इज़ लाइक कि ऑरेंज की शेप है। ऑरेंज होता है जैसे पूरा राउंड नहीं होता है, फ्लैट होता है ऊपर से और बॉटम से, तो ऑरेंज की शेप में अर्थ है। सो सम पीपल हैव टेकन फोटोग्राफ्स ऑफ द अर्थ फ्रॉम द मून। कुछ लोगों ने मून से फोटोग्राफ्स लिए हैं अर्थ के। सो मून जो है अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट है और वहाँ पर काफ़ी समय से लोग जा रहे हैं, जो हम कह सकते हैं स्पेस में जा रहे हैं, मून पर जा रहे हैं, तो उन लोगों ने फोटोग्राफ्स लिए वहाँ से अर्थ के। जब अर्थ के फोटोग्राफ लिए, सो वन सच फोटोग्राफ इज गिवन अलॉन्ग साइड। ये वैसा ही फोटोग्राफ है। हेयर द अर्थ लुक्स लाइक अ बिग बॉल। यहाँ एक बड़ी सी बॉल की जगह से दिखाई दे रही है। सो मोस्टली सारे प्लेनेट राउंड है शेप में, अर्थ एक बिग बॉल जैसी दिखाई दे रही है। सो द शेप ऑफ अवर अर्थ इज राउंड। ये राउंड अपीयर हो रही है क्योंकि अर्थ को पूरा एक होल के रूप में देखना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि हम अर्थ के एक पार्ट में रहते हैं। सो यहाँ मून से जो कि अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट है, वहाँ से जो लोगों ने जो स्पेस में गए थे, हम कह सकते हैं स्पेस क्राफ्ट में गए थे और एस्ट्रोनॉट्स थे वो, उन्होंने फ़ोटोज़ ली, और भी फ़ोटोज़ ली, अर्थ की भी फ़ोटोज़ ली, तो अर्थ वहाँ राउंड दिखाई दी जस्ट लाइक अ बिग बॉल। तो हमें पता चला कि अर्थ राउंड है क्योंकि वो दूर से ली गई थी और उसमें और भी प्लैनेट्स की फ़ोटोज़ ली गई होंगी, तो अर्थ की जब फ़ोटो ली तो देखा कि ये राउंड है बिग बॉल के जैसे। सो हेयर वी हैव येलो बॉक्स। इट हैज़ सम इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। डू यू नो नील आर्मस्ट्रॉन्ग ऑफ अमेरिका वॉज द फर्स्ट मैन टू लैंड ऑन मून। हेयर इज़ द इमेज ऑफ नील आर्मस्ट्रॉन्ग। ये नील आर्मस्ट्रॉन्ग हैं, वो फर्स्ट मैन थे जो कि जिन्होंने मून पर लैंड किया। सो मून पर लैंड करने वाले फर्स्ट कौन थे? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। और वो किस कंट्री के थे? अमेरिका के। उसके बाद बहुत से लोग गए हैं मून पर, बट वो ही वॉज द फर्स्ट पर्सन टू लैंड ऑन द मून। ही वॉज फ्रॉम अमेरिका। सो नेक्स्ट वी हैव ग्लोब। दिस इज ग्लोब। आई शोड यू द ग्लोब। मैंने आपको आज ग्लोब दिखाया, आपने भी देखा होगा, नोटिस किया होगा। हो सकता है आपके घर में या आपके जो फैमिली मेम्बर में किसी के ऑफिस में भी हो ग्लोब। सो ग्लोब आपने देखा होगा, नहीं तो इसका इमेज तो देखा ही है। सो अ मॉडल ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड ग्लोब। ये मॉडल है। मॉडल क्या होता है? किसी चीज़ का स्पेसिमेन होता है, उसके जैसा ही मिलता जुलता दिखने वाला वही चीज़ होती है, बट वो वैसी नहीं होती है, लेकिन उसका एक छोटा एक
मॉडल बना दिया जाता है ताकि हम उसे स्टडी कर सकें। सो आप देखते हैं कार्स के मॉडल होते हैं, वो बिल्कुल उनका जो जो हम कह सकते हैं कि जिस तरह से उनकी बनावट होती है वो बिल्कुल असली जैसे ही होती है, बट उनका साइज़ छोटा होता है। सो ग्लोब भी अर्थ का मॉडल है और ये है उसका साइज़ छोटा है। अर्थ जितना बड़ा तो हो ही नहीं सकता नेचुरली, क्योंकि अर्थ तो बहुत लार्ज है। सो जो मॉडल ऑफ द अर्थ इज़ कॉल्ड अ ग्लोब, ये ग्लोब है, ये अर्थ का मॉडल है। ग्लोब कई साइजेस में अवेलेबल होते हैं, एक छोटी बॉल से लेकर बहुत बड़े बड़े साइज़ के ग्लोब होते हैं। सो आर टीचर यूजेस द ग्लोब टू एक्सप्लेन अबाउट द अर्थ। सो हमारे टीचर हैं वो एक्सप्लेन करते हैं ग्लोब को, ग्लोब का यूज़ करते हैं अर्थ को एक्सप्लेन करने के लिए। वो ये शो करते हैं कि अर्थ इस तरह से दिखाई देती है। सो हम मून पर जाकर इमेजेस तो ले नहीं सकते अर्थ की, और हम अर्थ के एक पार्ट में रहते हैं तो हम अर्थ का पूरा इमेज नहीं ले सकते। सो हम उसे स्टडी करना है, उसे देखना है कि अर्थ दिखती कैसी है पूरी एज अ होल, तो हम ग्लोब के थ्रू वो जान सकते हैं। सो ये हेयर यू कैन सी, यहाँ से ये इसके साथ अटैच है और ये मूव करता है, हम इसे रोल कर सकते हैं। सो द सर्फेस ऑफ अर्थ हैज़ टू पार्ट्स, अर्थ के सर्फेस पे दो पार्ट हैं, लैंड एंड वाटर। सो लैंड के आगे काफ़ी पार्ट्स हैं, लेकिन अर्थ के सरफेस के टू पार्ट्स हैं, या तो हमें जैसा हम देख सकते हैं लैंड है, ज़मीन है, धरती है, या फिर वाटर है। वाटर वो ओशंस हैं। मोस्ट ऑफ द अर्थ इज़ कवर्ड विद वाटर, ज़्यादातर अर्थ वाटर से कवर्ड है। आई टोल्ड यू कि 70 to 71% ऑफ अर्थ इज़ कवर्ड विद वाटर। सो लैंड कवर्स ओनली अ स्मॉल पार्ट ऑफ द अर्थ। सो 2/3 पार्ट जो है वो वाटर से कवर्ड है, सिर्फ 1/3 ही हम कह सकते हैं कि लैंड है। सो मोस्टली जो पार्ट है अर्थ का वो वाटर से कवर है, और बीच बीच में हेयर यू कैन सी हम कह सकते हैं इन्हें आइलैंड्स हैं, कुछ एरियाज हैं, तो वो तो चारों तरफ से सी से या ओशन से सराउंडेड है। सो ये अर्थ की एक हम कहते हैं फीचर है। सो द लैंड कवर्स, कि जो लैंड है वो बहुत स्मॉल पार्ट कवर करती है अर्थ का। सो दिस इज़ द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 99। द अर्थ इज़ सराउंडेड बाय एयर, अर्थ एयर से सराउंडेड है। एयर सिर्फ अर्थ पर है, एटमॉस्फेयर सिर्फ अर्थ पर है। अगर एटमॉस्फेयर नहीं हो तो सन की जो रेज़ हैं वो इतनी हार्श हों कि हम लोग जल जाएं। सो अर्थ ही एक ऐसा प्लेनेट है जिस पर एटमॉस्फेयर है। सो एटमॉस्फेयर के कारण ही ना तो अर्थ बहुत ज़्यादा ठंडी है ना ही गर्म है। सो वो हम लोग रह सकते हैं, इसलिए अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है वो हमारे अकॉर्डिंग है। सो एयर कवर्स द अर्थ लाइक अ ब्लैंकेट, जो अर्थ को एयर ने कवर किया हुआ है ब्लैंकेट के तरह, जैसे हम अपने आप को ब्लैंकेट से कवर करते हैं, प्रोटेक्ट कर फील करते हैं, वैसे ही एयर ने कवर किया हुआ है अर्थ को। और एयर इज़ नॉट विजिबल टू अस, एयर जो है हमें दिखाई नहीं देती, बट वी कैन फील द एयर। दिखाई नहीं देती है हमें, हम उसे देख नहीं सकते हैं, छू नहीं सकते हैं, बट हमें महसूस होता है कि वी हैव द कवरिंग ऑफ एयर अराउंड अस। दिस ब्लैंकेट ऑफ एयर इज़ कॉल्ड एटमोसफियर। सो ये जो ब्लैंकेट है एयर का, इसे एटमोसफियर कहा जाता है। सो लैंड वाटर एंड एयर आर नेसेसरी फॉर लाइफ। लैंड भी चाहिए, नहीं तो हम कहाँ रहेंगे? हम घर पे हैं, हमारी रोड्स हैं, हमारी बिल्डिंग्स हैं, हम जैसे भी रहते हैं, जहाँ भी रहते हैं, तो वो लैंड पर ही पॉसिबल है। वाटर भी चाहिए, पीने को चाहिए पानी, सभी लिविंग बींग्स को चाहिए पानी। रेन चाहिए, और एयर, एयर क्या, हवा चाहिए। एयर में ही से ही हम ब्रीथ करते हैं ऑक्सीजन गैस, सो एयर तो हमें चाहिए। तो लैंड वाटर एंड एयर दे आर नेसेसरी फॉर लाइफ, ये लाइफ के लिए नेसेसरी हैं, ज़रूरी हैं। इनमें से एक भी चीज़ नहीं होगी तो लाइफ पॉसिबल नहीं है। सो ये सब स्पेशलिटीज़, ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स कहाँ हैं? सिर्फ ऑन आवर प्लेनेट अर्थ, ये सिर्फ अर्थ पर हैं और किसी प्लेनेट पर नहीं है। कि लैंड तो हो सकती है पर वाटर एंड एयर नहीं है। सो दैट इज़ वाई जब स्पेस में जाते हैं लोग, चाहे वो एक्सपीडिशन के लिए जाते हैं या वो कुछ सर्च करने जाते हैं, तो वो अपने साथ ऑक्सीजन कैरी करते हैं। और अर्थ पर ग्रेविटी भी है, कि हम अर्थ पर पैर रखते हैं तो हमारा पैर वहीं रहता है, लेकिन जो स्पेस में लोग जाते हैं तो वो
इसे जंप करते हैं क्योंकि वहाँ ग्रेविटी नहीं है. सो वी विल बी डिस्कसिंग अप टू हेयर फॉर दिस क्लास ओनली. इन द नेक्स्ट क्लास वी विल बी डिस्कसिंग मोर अबाउट अवर अर्थ. सो टिल देन बाय बाय, टेक केयर चिल्ड्रन.